ये ना प्रेम है, है, है। मौका सी कोई है। हाँ और उन्हें कोई चीज कटाने सी। हाँ हाँ जी, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, खाला का घर ना है, शीश जब धरे उतारे, हाथ पांव कट जाए, करे ना संत करारी, जो जो लागे मंदा बाकी खड़ा देखे सी मुसाई टाइम। हाय हाय, हाँ बस चलो देन हो गया, देन बोले। हाँ नहीं तो हाँ बोल खड़ा हो। हाँ पंगा पाया ने प्रेम दाजे उन्हें। सतगुरु तेरा आसरा के धन सच्चा सौदा दाम, जंगल में मंगल कर दिया तो मेरे परम संतों के न्यारे राम, तीर्थ व्रत करता रिया काशी और कैलाश में, जो रमिया राम ना खोजिया ते जो बैठा तेरे पास में, सतगुर के दरबार में जाइए बारम बार, ते भूली वस्तु बतावता तो मेरा सतगुरु है दतार, ओ नाम जहाज पर बैठ जा तो तनु कर दे छिन में पार। प्रेमी प्रेमी हर कोई आखे, प्रेमी सोई गप्पी, ओ प्रेमी तो दरिया समुंदर टप जांदे ते साथो आड़ ना जांदी टप्पी, प्रेम बिना सब जदे बरदे की चप्पी की टप्पी, मैं कुर्बान तिला तो भुलिया जिन रमज प्रेम दी टप्पी। तो बाबा जी ने सारा प्रेम दा नमूना चलाया है, आज सारा सत्संग ही प्रेम दा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ प्रेमिया प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमिया प्रीत निभा कठिन है, प्रेमिया प्रीत निभा कठिन है, ओ प्रेमिया प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमिया प्रीत निभा में आग लगाना, ओ जल में
से खाली किसी के दिल को, प्रेम से खाली किसी के दिल को अपने बस में लाना कठिन है, तो अपने बस में लाना कठिन है। ओ प्रेमिया प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमिया प्रीत प्रेम नहीं जिहड़ा दुनिया कहती है, ये तो खाण पीण की चीज़ों नाल पैदा होया। ये जिंदे मन का सवाल है, जिंदा मरे जड़ चिंदगांठ खोले ख्याल नुखों के पिछे इकट्ठा करे, इत्थे प्रेम का पता लगता है। तन का प्यार सबनों खा गया, विश्वकारां का ख्याल खा गया, इतों ही नाम शुरू हुंदा प्रेम। और नाम कहने दो चीज़ें मगर अंदर एक है, प्रेम पदार्थ नाम है भाई। माया मोह विनाश, वो माया छड़े अंदर जाए तो पता लगता नाम की है प्रेम की है। दुनिया गल्ला करती है नाम लफ्स नहीं ताकत है, नाम किधारे सगले जान, नाम किधारे खंड ब्रह्मांड, नाम किधारे आकाश पाताल, नाम किधारे उन्हें प्रगट करने असली पत्ती है, एक शक्ति है। जो अंदर प्रगट कर ले अमृत है, नौ दिन अमृत प्रभ का नाम, देही में उसका विश्राम। पता नाम प्रेम पता ही नहीं की होंगे, जिंदा मरे काम मिलता है। हाँ जी, हो मस्ताना जी नित प्रेम पिलावे, सेवाधारी बने नाम जपावे। मस्ताना जी आग लगाना कठिन है, जल में आग।
खाना पीना नहीं छड़दा, बाली ऐश नहीं छड़दी। पहले कहता ऐश हो आ सुख हो जाए तो भजन कर करे नहीं सकता, बस कल खत्म। जिथे सुख हो तो है ही नहीं सकता भजन, सब माया का जाल है। हाँ प्रेम तो कदम कदम से मुसीबत पैंदी है। हाँ जी ओ प्रेमिया प्रीत निभाना कठन गए, जल में आग लगाना कठन गए। प्रेमिया प्रीत निभाना कठन है, धन धन सतगुरु। चलो बस चलो आएगा सिमरन बिन गोते खाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या है हाँ? चलो दे सिमरन बिन गोते खाएगा, सिमरन बिन गोते खाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। सिमरन बिन गोते आएगा, सिमरन बिन गोते खाएगा। सतगुरु के नरक पड़ेगा, बिन सतगुरु के नरक पड़ेगा। फिर चौरासी जाएगा, बिन सतगुरु के नरक पड़ेगा। फिर चौरासी जाएगा, फिर चौरासी जाएगा। सिमरन बिन गोते खाएगा, सिमरन बिन गोते खाएगा। कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। फिर पछे पछतावेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो। फिर पछे पछतावेगा, फिर पछे पछतावेगा। सिमरन बिन गोते खाएगा, सिमरन बिन गोते खाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। सिमरन बिन गोते खाएगा, सिमरन बिन गोते खाएगा। धन सतगुरु तेरा।
सुते पे रही मां रोटी खा के सोंगे हैं और बस साउंड पे बुढ़ी मरी है कि नहीं कितने वो बेईमान मार देनी सी होने मुकाना सी नहीं तो फिर आना पौगा थोनू बुढ़ी ने पाजड़ पाती टेलीफोन कितने करता एक लख अंगूरी खर्च लाओ हूं ना उ कह दे तो मर गई फिर इन भेज देंगे उथे जाके कह दो मर गई फिर इन भेज देंगे फिर देख हाँ जी पाया सी जो बिजली का कम करता सी मुंडा किनोदा आहो कहिंदा मैं इत्थे बस रहना हूं महीना डूढ़ महीना ही होया मसा बस नठ गया कहिंदा मैं जाके कम करूंगा बस बोल एकांत बैठा है उत्थे ऐसा दिल लगता सी साडा कोई ठिकाना नहीं ए तीज दिन नठ लैंदा ओ बैठा है ओ देला राम लखन बस होर क्या फिर जा फिर सौ गए उन्होंने इतने कोई नहीं दिखता हाँ दूजे ने मिले बुढ़े बुढ़े छड़ दे जवान तो हूँ मजलिस सेवा से भी चलते ने तो मिट्टी प्रीत करनी पैंदी तन दी गृहस्थी होवे त्यागी होवे सब जिन्हें खटना वो अकने हैं ये तन दा प्यार आराम चाहते ने बस आराम वाला कदे भजन नहीं कर सकता आराम वाले नूं कदे कमाई भी नहीं होंदी बाहर देख लो किवें भाई मेहनत वाले कमाई होंदी है के आराम नाल बोल बुढ़ा हाँ सियाना किवें बाहरली कमाई भी मेहनत ना होंदी है एवं नहीं दिन चौथे कम करके नौकरियां करके रात में फिर घर में भी कम कर देने आके दिन पर लगे तां कुछ खट देने एवं मैं उन्हें माहौल बना छोड़े पुलिस वाले होंगे फौरन मौके पे खड़े होंगे ना तो फिर साधु बन देने
शवा 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 के कुत्ते पहन। हाँ जेड़ा नहीं आंदा दस ना ना किथे आ गए हैं किथे आ गए ये तो दूजे ने गृहस्थी सारे किथे आ गए सूरज उधर किथे सुखपाल ना होगा किरण दा देवी किथे भाई मान दुखते फिरते ने टिकता नहीं पर हां नठ गया ना कई नठ जाने ने हूं हूं उधर रुल गया त्यागी वो सुनो तन की सेवा हाँ बड़ा तो तन का प्यार छा खा के सब चलो कर दा कर लगे हाँ हाँ जी तन की सेवा अज्ञानता वर्ष पहले तो तने खा गए हाँ ये तन का प्यार छड़े तो सारे ख्याल ठीक हो जाते हौली हौली हाँ अज्ञानता वश जीव ने मिथ्या शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है और दिन रात उसकी मान बढ़ाई बनाव श्रृंगार और पालन पोषण में लगा रहता है। तन का प्यार और उसके साथ इसका संबंध भी इतना प्रबल हो चुका है कि आखिरी दम तक यह इसको छोड़ना नहीं चाहता। हर समय तन का सुख चाहता है और उसकी जरा भी तकलीफ भूख या प्यास सहन नहीं करता। पड़े कर जरा भी जगह की चाहता है कि उसको बुढ़ापा न आए और मौत नजदीक न फटके। मिथ्या तन साचो कर मान्यो ए विद आप बंधावे दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माहे दादू जीवन मर लो कबू छाड़े नाही। सारी उम्र सजा सजा ने थक के इन तो होश ही न रहे तन दी ता है ता खटदा हां 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 पढ़। इस अज्ञानता से छूटने के लिए जीव को चाहिए कि तन का प्यार छोड़कर और भूख प्यास का ख्याल न रखते हुए दिन रात स्वयं को गरीबों दीनों और पूरी साध संगत की सेवा में लगाए रखे। खट विकार यह देख के तिन को चितना लाए शोक मोह प्यास सुधा जरा मरन न डराए। मौत डर न होवे देख लो भाई बुढ़ापे तो ना होवे हुंदा तो होवे भाई। खट विकार ये देख के तिन को चितना लाए हाँ फिर वो शोक मोह कि तो प्यार ना होए दुख ना होए हया क्यों हो गया देखना हाँ फिर बोल खट विकार फिर भुख प्यास का भी ख्याल लग गया रहे है मर गए है मर गए माड़ी जी गलते बिंदु कह लिया दे चाह बस आदत खराब हो जाए बाहर लेने तो देनी पे फिर ये भी खराब हो जाते उन्होंने सारा दिन चाह पी पी के यही तो खटना है कद वास्ते आए छड़न वास्ते कह दे अगे तो अगे बधी जाते फिर खराब होंगे ना। हाँ जी खट विकार या दे के तिन को चित ना लाए जे कुछ खटना है तो समझ लो आहा हाँ बाकी अपना आप जानो चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है सब सब वास्ते इक है त्यागियों वास्ते तो बहुत है गुरु अमरदास दिन पर रात सेवा बोलो रात में खिली ने केस बनने ये सुख भाल देने कि लेते हो हर किसी का सुख भाल देने हाँ हाँ जी खट विकार या दे के
दिन को चितना लाए, शोक मोह प्यास और क्षुधा जरा मरण न डराए। गुरु अर्जन साहब तन की सेवा के बारे में मालिक से बेनती करते हैं कि ए मालिक, मेरी ये बेनती है कि तेरे दासों के दर पर पखा करता रहूं, उनके लिए पानी लाता रहूं, उनको पीस पीस कर खिलाता रहूं। इतने सेवादार बने, सेवक कराने वाला न बने ता खटदा। उनके दर पर झाड़ू देता रहूं और उनके दर्शन करता रहूं। तू मुझे केवल यही बख्श दे, पक्खा फेरी पानी टोवा, हर जन के पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनती, तेरे जन देखण पावा। तन की सेवा के लाभ, तन से साथ संगत की सेवा करने से तन की बीमारियां कम होती है, हाथ पाँव पवित्र होते हैं, गंदे ख्याल नहीं आने पाते, नम्रता और दीनता हृदय में बसती है, तन का प्यार छूट जाता है और जीव उसके बंधन तोड़कर आजाद हो जाता है। मुक्ति के पड़ूगा तो फिर तन का प्यार आ गया, बस खत्म, फिर थोड़ा छूट दे छेती। मुक्ति के अर्थ हैं आजादी या निर्बंध होना। दिल का किसी से संबंध होने का नाम ही बंधन है और बंधन रहित होने का अर्थ ही मुक्ति है। दिन रात सेवा में लगे रहने से ही आत्मा के ये बंधन टूट सकते हैं और मालिक से मिल सकता है। रैन दिन प्रभ सेव कमानी, हर मिलने की ए निशानी, ए गलत धारणा। आम तौर पर यह समझा जाता है कि मनुष्य को यदि आराम मिले और कोई काम न हो तभी भजन हो सकता है, यह ख्याल गलत है। मनुष्य हर समय तन के सुख चाहता है, ये सुख ही उसको बंधनों में डालने वाले हैं, ये माया के छिपे हुए जाल हैं, जितने सुख संसार के सब ही माया जाल हैं। इसलिए बंदगी के इच्छुक को चाहिए कि तन से खूब सेवा करे, इतनी करे कि थक कर चूर चूर हो जाए। थक कर चूर चूर बोलो। साथ साथ जितना हो सके सिमरन भी करता जाए, रात को नहीं लगने लगा एंक में हो सिमरन। नमक लोचना मुख से राम संभाल, हाथों कर काम सब चीत रंजन नाल। रात को या जब सेवा से फुर्सत मिले भजन पर बैठे, इससे विचार ठीक बने रहेंगे और यदि थकावट की वजह से नींद भी आ जाएगी तो वह भी आनंददायक होगी, जिसमें या तो सिमरन चलता रहेगा या दिन में किए गए कामों का ख्याल आएगा या अपने आप को दरबार में सेवा करता पाएगा और साथ संगत के दर्शन होंगे, गंदे मंदे ख्याल कम सताएंगे। जितना सेवा करो उन्हें निकलेंगे, नहीं तो बस गल्ला मार मार के खराब होंगे। जब बाहर के ख्यालों का दौरा कम हो जाए और मन सिमरन में लगने लग जाए, फिर चाहिए कि सेवा छोड़कर आराम से सिमरन करता रहे। तेरा रोज रोज इन गल्ला चल दी ने। गुरु अमरदास दा है फिर तक कितना पवित्र सी, देखो जप तप तीर्थ बार सब कुछ करते रहे, एक ही बार गंगा स्नान नु गए, देखो पैदल आना महीने लग जाते सी, होर तो नहीं ख्याल सी, देख लो फिर गुरु अंगद साहब की शरण चाहे फिर भी किली ना केस बने, दिनों दिन कड़ी ते कड़ी सेवा की थी, ता सीधा होया मन, माहौल बनाया इन्होंने। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इब्राहिम आदम आदि पिछले फकीरों की ओर ध्यान दे, जिन्होंने जीवन में मालिक को पाया है तो पता चलता है कि उन्होंने ख्यालों को साफ करने के लिए कितनी कड़ी सेवा की है। ख्याल साफ होने के बाद ही पूर्ण तौर पर भजन सिमरन में लगे हैं। आम सेवादारों में कमी यह रहती है कि वह सेवा के समय सिमरन को बिल्कुल भुला देते हैं, उनको मन यह धोखा देता है कि दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते और आपस में इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, अर्थात मालिक का सिमरन छोड़कर उल्टा दुनिया का सिमरन करने लग जाते हैं,
जिससे ख्याल साफ नहीं हो पाते। जिन्ना मेल मिलाप घट हो साधु का उन्ना फायदा करो, जिन्ना मिले मेल मिलाप ज्यादा लोगों ने पाओ उन्ने खराब होंगे, उन्हें पे दूर असी तंग आ जाने मिल मिल के अंदर जाके बैठना नहीं मिलता छेती। हाँ, जो लोग गृहस्थी हैं वे अपने घर के काम खूब चुस्ती से करें और लोगों से दिल का तो किसी मिला ना निकले ना होगा, यही करेंगे निकले निकलना सारा ने खपा देने आके दूजे तो वेड़ा कर कर देने। हाँ जी, और लोगों से मेल जोल अधिक न रखें। चिट्ठियाँ आदि ने मेरी परीक्षा होना मैं चंगे नंबर से पास हो जा, मैं पास हो गया मैं चंगी नौकरी मिल जाए बहुत, और कोई गल नहीं। नौकरियां पीछे आए फिर मालक पीछे कोई ना आया जिन्हें पूछे बस आई हाल से अपने। हाँ जी, काम के समय सिमरन करते रहें। एक इधर एक चिट्ठी आती है लेकिन दो तीन दफा मैं झाड़िया बीपी दी, मेरा फलाने ना प्यार है मेरा उत्थे शादी हो जिला। बोल भाई बोल आ हाल है। हाँ हाँ जी, बस यहीं फंसती है तुमने कहा देगा फिर धक्के खाँदा कई कई जन्म। हाँ जी, काम काम के समय सिमरन करते रहें तब वे गृहस्थ में रहकर भी सफल हो सकते हैं। बुल्ला साहिब एक बड़े जमींदार गुलाल साहब के नौकर थे और हल चलाने का काम किया करते थे। अक्सर भजन बंदगी में रहते और जब भी अवसर मिलता तो साथ संगत की सेवा भी करते। जब वे किसी काम को बाहर जाते भजन ध्यान में लग जाने से अक्सर देर से आते। उनकी सुस्ती की शिकायत गुलाल साहब के पास आती और वे कई बार उन पर गुस्सा होते। एक दिन का जिक्र है कि बुल्ला साहब हल चलाने को निकले और वहां खेत की मेट पर बैठकर सतगुरु के भजन में लग गए। बुल्ला नहीं और होया बलाकी रावण बुल्ला कहने से। हाँ, बैठते ही उनका ख्याल साथ संगत के लंगर की सेवा में चला गया। अचानक गुलाल साहब मौके पर पहुंच गए और देखा कि देखो तू सिमरन च बैठो और दुनिया दे ख्याल आंदे ने, ओ सेवा करदा सी सेवा च ख्याल आ गया। जिन्हें ज्यादा याद करो वही आना। हाँ जी, और देखा कि बैल हल में जुते फिर रहे हैं और बुल्ला साहब मेड पर बैठे मानो नींद कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने उनको लात मारी। बुल्ला साहब चौंक कर उठ बैठे, उनके हाथ से दही छलकता हुआ गिरा। यह कौतुक देखकर गुलाल साहब बड़े हैरान हुए, परंतु बुल्ला साहब ने बड़ी अधीनता के साथ गुलाल साहब से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। जो साढ़े वर्ग हम तो कहना मैं तो अंदर बैठा सेवा करता सी ता सी ता निकलिया, वो फिर भी माफी मांगता। हाँ, हाँ जी, हाँ। और कहा कि मैं साधुओं की सेवा में लगा था। हाँ। और सब प्रकार के भोजन परोस चुका था। देख लो कितों आगे दही नाले होर इतने चिट्ठी भी आई सी इन्होंने पता सारे ने पढ़ के सुनाई है। मारवाड़ चो एक बुढ़ी है उन्हें आना सी जी मार से कर देने आना दिती उत्थे मर गई, उन्हें समझे मर गई तो वह रोन लग गए। उठ के कहन लगी तुम क्यों रोने अभी तू मर गई सी कि मैं कहना मरी सी मैं तो डेरे गई सी ख्याल जो सी मैं डेरे तो आई हाँ नाले इतों बूंदी लग गई प्रसाद वंडे तो उन्होंने दाना दाना दिता। बोलो शिव शिव रूप च अज मैं दही गिरे इन्होंने सिमरन ना माहौल बनाया उ गल मारी जाने इधर दिया इधर इधर दिया इधर। हाँ हाँ जी, सब प्रकार के भोजन परोस चुका था। जिन्हें यारियां दोस्तें पाऊंगे उन्हें मालिक से दूर बस समझो भजन नहीं बन सकता। इधर सुनो ओदी सुनो ओदी सुनो ओदी सुन बस। उत्थे विच देखते रहे हैं कई छुप छुप के गल्लां सुन गए मसानी कोल गया फिर कहने की घटना
यही तो अस ख्याल करने वही होर पाई जाते हैं सर। हाँ हाँ जी, केवल दही बाकी थी जो परोस ही रहा था कि आपके हिला देने से वह हाथ से गिर गई। अपने नौकर की यह गत देख कर गुलाल साहब उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे नामदान प्राप्त किया। महात्मा जगजीवन साहब भी उन्हीं के शिष्य थे। बस बाकी अपना आप जानो, कहना कह के थक गया, लगे रहो दिन पूरा होश ना रहे। कद सिमरन कद भजन कद किमें कद सेवा कद किमें ना कद किमें लगे रहे, बस ख्याल कड्ढे जिन्हें पाओगे यारी दोस्ते पाओगे उन्हें खराब होवोंगे, बस उन्हें मालिक तो दूर ना। मतलब दी गल की परे हुए गृहस्थी होवे त्यागी होवे सब दे वास्ते जिन्ने ख्याल कढोंगे बस एक ख्याल कढ़न ते है लेने देने मकाने ने, जिन्होंने टाइम मिले वो फिर ना करे। चंगे चंगे कपड़े होने ये होवे वो होवे, बस दो चार आए दिल्ली तो दो पाई हो दो पाई हो तो इतने चार क दिन रहे नठ गए, कहने असी तो क्या चिट्टे चिट्टे कपड़े ना देने चलो असी भी पावे दस भाई तो बस अं रह जाने फिर अपना खटना तो ये कर लो नहीं तो अपना आप जाना। हाँ जी बड़े बड़े मारे जाने हाँ काली लो चुनी कमी है चुनी वाली काली हाँ तेन साज बना लेने ठीक है देखो भाई ब्याह भी नहीं कराया फिर भी नहीं साज बनना चलो हमें राम को नाही राम को नाही जामे भजन राम को नाही राम को नाही ते नर जाना अपारथ को
फिर बोल जैसे पान जल में रखियो कोई असर नहीं अंदर है? बस फिर बोलो भाई जिस साल से इंच रह के फिर भी अंदर चीज ना आई फिर बस वही अपने मन माते फिर देंगे एक दूजे में बस सिखाऊंगे आए कर लो बस जा उपरों काली कापी ले छत्र देखी कई दो सुना है सच पाए दे तो सुन दे कौन सुन दे रख जैसे पहाड़ जल में राख्यो वेदना ते पानी जैसे ही तुम ताए पछाणो भक्तहीन जो प्राणी भक्तहीन जो प्राणी बैठा है कि ना दा बड़े दा कम जमात रहना है ऐ रहे कोई मतलब की गल हो किसी मारी कर लो चलो देख लो गल्ला मारी जाने ने स्टेशन मास भी गल्ला मार देने ने थे खड़का में मार देना ना इधर दे दे भाई हाँ दसो भाई जिन्ना कट बोले कट खावे कट सौमे जा जागे उन्ना फायदा है नहीं तो कटना फिर तेरे सुविधा गया तो गया कैसी है बस अभी जिद रहा फिर चार दिन बहुत बस फिर है जिन्या गल्ला मारदा जिन्हें इधर तो फिर उन्हें कद ख्याल नहीं चढ़े हाँ जी मैं आप तंग आया पिया हूँ हाँ जी हम डंडा चकना को जड़ा कोल नू आया करू आए खेल लेंदे ने आके एक मिनट च खड़कावांगे इन्हां नू पहला तो डेरे वाले नू खड़कावांगे आके खड़ियां हो जांदी ने मूहरे ये भी ते ओ भी सारे नू कट्ठियां कर लेंदे ने अगे उत्थे सच पातशाह रस्ते च लंघते इधर तुसी खड़े रहने परे चलो परे परे हो जाते नाल नाल फिरनगे जी मल्लो मल्ली बे मतलब हाँ फिरी जाते तंग आ जाते मैं कदे नहीं गया बुलाते से कम कर कम तक मतलब के ये सेवा है सिमन भाई शादी होंगे ना बस हाँ क्या है भाई की करके आए हैं दवाई चला ठीक है हाँ इन्हें होश बेहोश हो जाने जाके उसे कि ना दवाई लानी से भूल जाने कि नहीं दवाई बोल हाँ साधुओं के लिए मन भजन बैठना ता क्यामत समझदा है गंदे कर्म
जब मालक रोटी देवे, दूजे ए कि कमकार कोई ना होवे, फिर भजन ना करे। मन ता एदा दुश्मन है, एनू वेला रखोगे ए तुहाडी गर्दन तोड़ेगा। जा भजन करो, जा पोथी पढ़ो, जा सेवा करो, क्या एक सा पिरथा न जावे। या कि साधु हुंदा सी होर ना कम हुंदा, रस्सियां बटी जांदा, अपने सिमरन करी जांदा। बोल। जां किसे नू नेक उपदेश देओ, जेकर कुछ लेना है तां मन नू कदे वेला न बैठन देओ। जे 84 विच जाना है तां मन नू जो मर्जी करन देवो। गुरु ने नाम दिता, असी कमाई करके पर्दा खोल लिया और जीवदे जी सचखंड पहुंच गए। ए साधु दा धर्म है, ए जेड़े शिकायत करदे ने कि सानू काम सताउंदा है। जद मन नू वेला छड़ोगे तां मन विच एहो जे गंदे ख्याल पैदा होंदे ने। तुहाडे नालों तां गृहस्थी चंगे ने, जेड़े भी 30-30 साल बाहर रहिंदे ने, रुपया कमा के लियांदे ने, घर बैठ के आराम नाल खांदे ने, जायदादां बनाउंदे ने ते भजन करदे ने। दया करो, दया दया भजन चो निकलनी है, माहौल बना छड़े दुनिया ने। डॉक्टर नाल कहने कसरत कर, हां देख लो ताई कामयाब हुंदा तन दे। इस तरह ही असो पढ़वे संतन दा ले। जंदी तो ही रखती खादी है ना, फिर इलाज। हाँ, ये समझना जरूरी है। थक गया, अजय भी नहीं समझते। ये समझना जरूरी है। किरा तो कम लेना होता है। मैं तो कब जब ना छड़ी है सारे कपड़े लाते मसाइन के ना, ये तो कम लेना है। आप लिया के देंदे फिर कई दफा सच पाशाह शान कने रेंदे बाहर तो सी, अंदर तो नहीं है। साढ़े को कपड़े पाए ने पुराने, अंदर नहीं सी। देख लो साधु देख के वो जो साधु चंगे चंगे कपड़े पाए फिर ही चले। हाँ साधु शहन शाह रेंदे ने सी उन्होंने रही बस। हाँ, ये समझना जरूरी है कि संतां की तालीम की है। ना समझण दा नतीजा ए है कि आदमी आउंदा है, नाम ले जांदा है, मगर जाके कमाई नहीं करदा। जिस तरह बीमार डॉक्टर थी दवाई लियांदे ने, लिया के आले विच रख देंदे ने, खांदे नहीं बीमारी नहीं जांदी। सिख नाम ले के ओदी कमाई तां करदा नहीं, कहिंदा ए सतगुर ने कुछ नहीं दिता। जे 2.5 घंटे पूरा वक्त दे तां होमे चिर हो गए जी सानू। हाँ, 2.5 घंटे भी नहीं दिंदा, दसवन दे असली अजय माया का करना सिखा ला। हाँ, जे 2.5 घंटे पूरा वक्त दे तां होमे दी बीमारी दूर होंदी है। ए पूरा वक्त नहीं देंदा फिर बीमारी किस तरह जाए। सतगुर कहिंदा है शराब कबाब थी बचो, निंदा थी बचो, इन्हां नूं सामने बैठा नूं 20-20 साल हो गए नाम लए नूं, मगर हालां निंदा चुगली दी आदत नहीं गई। बस अफसोस, इन्ने चिर दे सत्संगी लेकिन सिर्फ ए पुरानी आदत नहीं गई। जेकर सतगुर तुहाडे हिरदियां दी मनमुखता दसे, मन दा पर्दा खोले, जाहिर करे तां कोई भी ना आवे, मगर नहीं। मानसर और हरिपुर आजाद रियासत सन। जद में हरिपुरे होंदा सी उत्थे एक कमाई वाली माई। बस चल छड़। हाँ, कमाई उन्हें जरा उठी नगड़े दीदी तू अज फलाने को नहीं आई, फलाने को नहीं किया, आ नहीं किया, वो नहीं किया, और रास्ते छड़ गए।
मैं इसी तरह अगर फकीर करना साहब ने मेरे आपे सुधर जाने हौली हौली सही हौली हौली सही मनता ही कोई नहीं चलो उन्होंने अगों ने धक्के दिते ने फकीर गुरानक साहब के बच्चे हुक्म मनिया गुरु गोबिंद साहब के बच्चे ने लत्त मारिया बस इस तरह होंगी आई है गुरानक साहब के खिलाफ फिर पृथ्वी चंद अस सारे मत्था टेकन जाने गुरुद्वारे च देखो अमृतसर भी जाने वो पूर्ण ताकत गुरु गुरु तेग बहादुर ने पुजारी ने अंदर नहीं जाने दिता से बोल हाँ हाँ सा मगर बस दुकानदारियां बन जाने और चीज़ खत्म फायदा जोड़ा मौके से उठा जाता बहुत फायदा उठाता नहीं तो फिर देर लगती है कई कई जन्म धक्के खाता मन का कोई है नहीं ना सामने ने इतने मसाला कोई इतने चिताए ने दोबारा आए ने कोई मसान चिताए ने कोई सचपा चिताए ने दो तीन तक गुरानक साहब चिताए आ गए ने साफ निकी निक गल कर लग गए गुरानक साहब हाँ जी जामे भजन राम को नाही राम को नाही बिनर जनम अकारत को तंग आ जाना कितने सामा जो दिल तोड़ते हैं तो मुश्किल रखते हैं तो उन्हें सामभ हूँ किसी पास लाओ ए दूजे को जा देने बोल बोल बस हाँ जी कल में मुकात नाम ते पावत गुरिये भेद बतावे कल में मुकात नाम ते पावत गुरिये भेद बतावे कहू नानक सोई नरगर के गुण गावे जामे भजन राम को नाही राम को नाही ते नर जनम अकारत को पहली सेवा है लंबा होया कोई होर हो सिमन आसान असर लगे रहे हिसाब के कम से थोड़ा घना फर्क पैंदा हाँ हाँ जी डेरे वाले साधुओं को लानत पीछे रोओगे देखो भाई संगत का बड़ा ही प्रेम है दुनिया में सच्चा परमार्थ यही है दुनिया सत्संग सुनकर कदर करती है मगर तुम्हें डेरे वालों को कदर नहीं है मैं रोज सुन लेता चलो गल मोक तुम्हारा तो ये हाल है कि जिसकी मैं कदर करता हूँ
आप बेकदरी करते हो जहाँ दुश्मनी, हमें सेवा करने वाले जहाँ भजन करने वाले प्यारे ने, और हमें क्या जरूरत है किसी की। जो तन मन लगाकर हमारी सेवा करे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें प्यारा है। तुम डेरे में बैठे हो, तुम डेरे में बैठे ही बातें बनाते हो। जरा आंखें खोलकर बाहर जाकर देखो, तुम्हें भी हमारा पता लगे। 1900 को नाम दिया है इस दौरे में, और अभी लाहौर अमृतसर वालों को टाइम ही नहीं दिया। महाराज जी कहा करते थे कि रब को पहचानने के मारे रह गए, संतों की कदर उनके जाने के पश्चात हुआ करती है। बाबा जी कहा करते थे, हमारी कमाई के जोहर पीछे पता लगनगे। हम भी तुमसे कहते हैं कि पीछे रोओगे। बस चिट्ठियां पी साढ़े को मसाई दुबारे सच पाशा वचन करते सुनते हुए सगम होर दा हो रही हूँ। चिट्ठिया पे ने हूँ वचन सानू याद आने ला हूँ की बन दे खास खास आदमी एक मिनट भी ना छे तक हो सेवा सिमन लगे रहो बस उ गल् मारी जाने। हाँ माया घेर लें माया देख के सब दिमाग खराब हो जाने इतनी की कमी है। चलो मौज करो। हाँ चलो बोल भाई हो गया दे गया। धन सतगुरु तेरे तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांपो के हाकाड़ा जियो पाते तू द पछाड़ा तू मेरी ओट तू है मेरा माड़ा तुमरी कृपाते तू द तेरा खेल अखाड़ा जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तित तलाए
नीच होना हमारा धर्म है। नीच होना, नीमा होना हमारा धर्म है। हाँ। संत मत दी तालीम ए है कि नम्रता है। काकिये संत चंदन दे खेड़ दे समान होते हैं और दुनिया सर्प दे समान। सर्प जहर से परे हुए और गर्मी से लिपटे हुए और गर्मी से चले हुए चंदन के पेड़ से लिपट जाते हैं। चंदन अपनी शीतलताई सर्प को दे देता है मगर उनके जहर की वो ख्याल नहीं करता। चाहे संतों के सर पर कोई आग ही चला देवे, चाहे संतों के सर पर कोई आरा भी चला देवे, संत तो भी उसका भला करते हैं। जिस प्रकार कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, चंदन नहीं देखता कि मुझे काट रहा है। चंदन तो अपनी महक कुल्हाड़े को दे देता है। सो जो नीचा होगा वही ऊंचा होगा। नीचे खेत जाने नीचे सोई घनी सबसे ऊंचा। हाँ। नीचे पेड़ के कार छोड़ मैं लगी पड़ी है। नीचे पेड़ के फल लगता है। बबूल का पेड़ कितना ही बड़ा हो मगर होते कांटे ही है, फल तो नहीं लगता। अच्छा काकिये, मेरा तो काम दया करना है। संतों के पास तो दया के खजाने होते हैं मगर दया कोई लेता नहीं। संत इसलिए ज्यादा जहर नहीं होते। आज हाँ आज तुझे भी डंडे खा लो आज डॉक्टर। हो भी मन रोज डंडे खा लें। हाँ, लोगों ने इलाज कर लो, अपना भी करो। हाँ चलो कराओगे। हाँ हाँ, जे दवाई देव वो ना खावे फिर इलाज हो जू तो फिर दवाई खाओ। हाँ जी। हाँ, संत इसलिए ज्यादा जहर नहीं होते। यदि कोई भर्ती करने खास खास रूह वास्तव कि ना जी तो वह दिल तक कर लगे ना दे ना छड़ परे कौन समझदा। हाँ, रात में ताही ना पिछे बैठी तो भी किसी तरह जागते रहन गए, ये भी छुप छुप के लुक के बैठन गए भी जल लेट जो आप जाके। हाँ, यदि कोई अधिकारी मिलता है तो देते हैं, नहीं चुपचाप रहते हैं। बस उधर गल्ला मान लग जो उधर गल्ला मान जो बस सुनता भी कोई नहीं अमल तक। सब किरण होंगी आई। हाँ,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਜੀ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਐਂ ਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕੇ ਦੇ ਸੁੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋਜੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਥੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਲਾ ਇਹ ਔਖਾ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਧਸੰਗ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਕਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਥੀ ਬਚੋ ਨਿੰਦਿਆ ਥੀ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ ਮਗਰ ਹਾਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਫਸੋਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੱਸੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਸ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
सामने खड़े मसान जी कह रहे अगर रोज ना मजल किधर ना आवे देखी आए न बुलाओ तो दुखी वो ही मुखालफत करने लगे। आखिर मसान जी मैंने साफ कह गए ने दो मजूर रख लेंगे सुख पाएंगा, वो दो मजूर रख लेंगे सुख पाएंगा जो उन्होंने रखे तो आ तके बस अपनी अपनी फिर आज जो सेवा कर जन थोड़ा घना तो फल ले जाने गाँव का। हाँ जी जिन्ना भजन हो ख्याल निम्रता होनता हो बस मैं लगी पी सब। हाँ हाँ जी सारी दुनिया इसती पहले कि मैं सत्संग शुरू करा मैं चाहता हाँ कि मेरे पिछों जिन्हें ने जाना है वो तो चले जाएंगे बाकी थोड़ी जी संगत रह जाएगी उन्होंने ख्याल रखा जाए नहीं तो वो पिछों खुल खेल देने क्यों रौनक सिंह